एक बार महाराणा प्रताप पूंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दूधा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दूधा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दूधा को देते हुए बोली, ले ये पोटली महाराणा को दिया। दूधा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेरा बंदी किए हुए अकबर के सैनिकों ने दूधा को देखकर शंका हुई, रुक कहां जा रहा है तू। दूधा ने बिना जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन चंचल चपल बालक का पीछा वह जीरे बखर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूटकर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली को उसने दूसरे हाथ से उठाया और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे एक ही धुन थी कि कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दूधा की आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। उसने अपनी चाल और तेज कर दी, जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे वहां पहुंचकर दूधा चकरा कर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज दी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए, एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ बाहर आए। साल का बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा जी ने उसका सिर गोद में लिया और पानी के छींटे मारकर होश में लाए। टूटे शब्दों में दूधा ने इतना ही कहा, राणा जी ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी प्रण और तन वाले राणा जी की आंखों में शोक का झरना टूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की कहां जरूरत थी। दूधा ने अपने आप को जगाया और जोश में बोला, अन्नदाता आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ नहीं है। इतना कहकर वीर गति को प्राप्त हो गया दूधा। राणा जी की आंखों में आंसू थे, मन ही मन कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, धन्य है तेरी देशभक्ति। तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा, तू अमर रहेगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है।